लास्ट टेंथ का सोशल साइंस का पेपर हो चुका है और उसके बाद मैं कुछ स्टूडेंट से मिला, जानते हैं कि कैसा था सोशल साइंस का पेपर। तो मेरे साथ में है वरुण, अब इनसे पूछते हैं हाउ वाज द पेपर, कैसा था पेपर आपको? पेपर बहुत ही इजी था, लेकिन वैल्यू बेस्ड बहुत ज्यादा, एनालाइज करने को कुछ ज्यादा ही आ गया था। फैक्ट नहीं आए थे जो हम लोगों ने चार से तैयारी की थी, फैक्ट की हम लोग याद कर रहे थे, सारे फैक्ट हम लोगों ने याद किए थे। और जो पॉलिटिक्स तो पूरा वैल्यू बेस्ड ही आया हुआ था, और वही था कि इतना वैल्यू वैसे आना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर कट सकते हैं हम लोग। मतलब ये अगर कहा जाए तो पेपर डायरेक्ट नहीं था, काफी ट्विस्टेड एंड ट्रिकी पेपर था, काफी ट्विस्टेड। अगर स्कूल की गर्ल्स से बात करते हैं कि उनका सोशल साइंस का पेपर कैसा गया, आप बताइए कैसा गया आपका पेपर? पेपर तो अच्छा गया, लेकिन ये था हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते, जितना हम लोगों ने पढ़ा उस हिसाब से उतना नहीं आया, जितना मतलब और भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े वो भी नहीं आए, इतने सारे वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन निकाल दिए गए थे जिसमें हम लोगों के मार्क्स कटने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो गए। आपको क्या लगता है कि कैसा था पेपर, क्या कहना है आपका? सेम है सर, पेपर तो आसान था, छोटा था, पर थोड़ा सा फिलोसफी टाइप का पेपर था, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। पॉलिटिक्स में ऐसे उसने बताया कि सेम दो ही तीन क्वेश्चन सिर्फ फैक्ट से मिले, सब हर एक उस टॉपिक में दो ही तीन क्वेश्चन फैक्ट से मिले, बाकी सारे वैल्यू बेस्ड टाइप के। तो फाइनली कैसा गया आपका पेपर, कितने मार्क्स के एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अब सर क्या बताएं, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फिर भी आने चाहिए सर 70 तक के। था, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जैसे जलियांवाला बाग वो नहीं आया, बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तो वो जो हम लोगों ने ज्यादा तैयार किए थे उसके हिसाब से पेपर थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड। आपको कैसा लगा पेपर? पेपर सिंपल था और जल्दी, टाइम छोटा था पेपर, पेपर छोटा था यानी कि टाइम से पहले हो गया। हाँ। पेपर यानी कि लेंथी नहीं था। एनसीईआरटी बुक जो आपको दी गई थी उससे कुछ था रिलेटेड पेपर या नहीं था? एनसीईआरटी नहीं, मतलब जो क्वेश्चन थे वो बहुत वैल्यू बेस्ड थे और जो भी थे हम लोग ने इम्पोर्टेंट टर्म्स वगैरह याद किए थे वो कुछ नहीं, और वो जो हम लोग ने डेट्स वगैरह याद करी थी उसके रिलेटेड भी कुछ नहीं आया था ज्यादा, कुछ सिर्फ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम आए थे, जैसे हम लोग ने जलियांवाला बाग और कोबरा वगैरह पढ़ा था वो सब नहीं आया। फाइनल वर्डिक्ट देंगे पेपर के लिए? एग्जाम थोड़ा सा सही था, लेकिन उसमें से बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए थे जिससे मन थोड़ी सी परेशानी हुई करने में, तो थोड़ा मतलब उसमें सोचा वगैरह पड़ा था, मैथ थोड़ा सा बेकार आया था। तो मैप मैप के बारे में क्या कहेंगे आपके लिए, मैप कैसा? पेपर ठीक ठाक था, ना ज्यादा कठिन था ना ज्यादा सरल था, और अगर बच्चा पढ़कर गया होगा तो कर लेगा, पढ़ना नहीं कर पाएगा। तो इन बच्चों के रिएक्शन को देखने के बाद हम इजिली कह सकते हैं कि जो जो पेपर था वो काफ़ी ट्रिकी एंड ट्विस्टेड था, जिसमें फैक्ट से ज़्यादा अदर चीज़ें पूछी गई थी और एनसीईआरटी पे बेस्ड उतना ज़्यादा पेपर नहीं था और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स भी काफ़ी कम आया था। तो आपकी क्या राय है पेपर के बारे में आप कमेंट करके बताइए, और मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए जुड़ने के लिए आज से ही जुड़ जाइए मुझसे, मैं डेली बेसिस पर आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा इम्पॉर्टेंट, और अगर आपको किसी क्लास की नीड होगी वो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।